हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने निबोश IGCSE का कोर्स अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसके बेसिस के ऊपर जो है आपको कितनी सैलरी मिल सकती है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी रिगार्डिंग जो है कई सारे जो है कमेंट्स आपके आए थे कि सर हमने जो है निबोश IGCSE जो है सर्टिफिकेट कम्प्लीट कर लिया है, लेकिन इसके बेसिस के ऊपर जो है हमें कितनी सैलरी मिल सकती है इसके बारे में हमें बताइए। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, जैसे कि सैलरी की अगर बात आती है तो ऐसा जो है फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपने जो है निबोश का जो है IGCSE का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो एज अ फ्रेशर जो है आपको इतनी सैलरी मिलेगी, या फिर जो है कुछ साल का एक्सपीरियंस होने के बाद जो है आपको इतनी सैलरी मिलेगी। ये जो सैलरी है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है, जो आपको पता होना चाहिए। वो कौन से फैक्टर है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कि आप जो है फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, उसके बेसिस के ऊपर जो है आपको वहाँ पर सैलरी मिल सकती है। सेकंड फैक्टर है वो है इंडस्ट्री का, यानी कि जो है कौन से इंडस्ट्री में आप काम करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, ऑयल एंड गैस है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो है आप काम करने के लिए जा रहे हो क्या। थर्ड फैक्टर है वो है लोकेशन का, यानी कि जैसे कि आप इंडिया में जॉब करना चाह रहे हो या फिर जो है गल्फ कंट्रीज में आप जॉब करना चाह रहे हो, तो ये भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद का जो फैक्टर है वो है आपका एजुकेशन, यानी कि निबोश IGCSE सर्टिफिकेट तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके पहले जो है आपके पास जो है क्या एजुकेशन है, जैसे कि आपका जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है क्या, या फिर जो है प्लेन ग्रेजुएशन आपने किया है क्या, या फिर 12वीं के बाद जो है आपने जो है ये कोर्स किया है क्या, तो ये भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कंपनी का साइज, यानी कि जिस कंपनी में जो है आप यहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हो तो उस जो कंपनी है उसका साइज क्या है, मतलब वो जो कंपनी है वो छोटी है या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर स्टैंडर्ड कंपनी है, या फिर ऐसी जो है छोटी मोटी कंपनी है, तो कंपनी का जो साइज है वो भी जो है काफ़ी यहाँ पर मायने रखता है। फिर उसके बाद का जो फैक्टर है वो है जॉब रोल का, यानी कि जो है आप कौन से पोजिशंस के लिए जो है आप वहाँ पर जो है जा रहे हो, जैसे कि आप जो है सेफ्टी सुपरवाइजर हो, HSE सुपरवाइजर हो, या फिर सेफ्टी ऑफिसर हो, या फिर सेफ्टी इंजीनियर हो, तो जो कौन सा रोल है आपका वहां पर उसके ऊपर भी जो है आपकी वहां पर जो सैलरी है वो वहां पर जो है डिपेंड होती है। और फिर उसके बाद का जो लास्ट वाला जो फैक्टर आता है वो है मार्केट डिमांड, यानी कि जिस लोकेशंस पर आप जो है यहां पर जॉब करने के लिए जा रहे हो निबोश IGCSE के बेसिस के ऊपर, तो वहां पर जो है मार्केट में जो है उसकी डिमांड है क्या, अगर वहां पर उसकी अगर डिमांड है तो आपको जो है वहां पर अच्छी सैलरी देखने को भी जो है मिल सकती है। चलिए अब हम बात करते है कि निबोश IGCSE जो है अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको जो है कितनी सैलरी मिल सकती है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो एंट्री लेवल है, यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है जिन्होंने जो है निबोश IGCSE का जो है कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बेसिस के ऊपर जो है उनको $7,000 से लेकर $10,000 जो है पर ईयर जो है आपको जो है यहां पर सैलरी देखने को मिल सकती है। अब यहां पर ये जो है ये इनिशियल स्टेज हो गई। अब हम बात करते हैं मिड लेवल की, तो यहां पर $10,000 से लेकर $30,000 पर ईयर जो है आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल सकती है। अब थर्ड लेवल यानी कि सीनियर जो लेवल है उनको जो सैलरी है वो $30,000 से लेकर $60,000 प्लस में जो है आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल सकती है। अब ये जो मैंने आपको यहां पर सैलरी का एस्टिमेशन बताया है ये जो है एक नॉर्मल तौर पर जो है देखा गया है कि इतनी जो है आपको यहां पर सैलरी मिल सकती है, तो ये जो सैलरी है ये कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले जो फैक्टर्स बताए हैं उसके बेसिस के ऊपर। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर जो है मैंने डिटेल में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जो है चेकआउट कर सकते हो और इसको जो है डिटेल में जान सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।